हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। चेन्नई में टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप पूरे जोर शोर से चल रहा है। लगातार दो दिन की प्रैक्टिस के बाद खिलाड़ियों को एक दिन का ब्रेक दिया गया था और फिर सोमवार 16 सितंबर से दोबारा ट्रेनिंग शुरू हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए लगे इस कैंप में सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग पर ही पूरा जोर नहीं है, बल्कि फील्डिंग पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में एक फील्डिंग सेशन में सभी खिलाड़ियों को दो अलग अलग टीमों में बांट दिया गया, जिसमें विराट कोहली की टीम ने बाजी मार ली। टीम इंडिया के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने एक वीडियो में इसके बारे में बताया। चेपॉक स्टेडियम में टीम इंडिया 13 तारीख से 5 दिनों के ट्रेनिंग कैंप में जुटी है, जिसके 3 दिन जो है पूरे हो चुके हैं। कैंप के तीसरे दिन सोमवार को बैटिंग और बॉलिंग के अलावा फील्डिंग की ड्रिल्स पर खासा जोर दिया गया। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें खिलाड़ी कैच लपकने से लेकर गेंद को रोकने जैसे ड्रिल्स पर ध्यान दे रहे थे। इन्हीं ड्रिल्स के इर्द गिर्द फील्डिंग कोच ने एक कॉम्पिटिशन भी करवाया। इस वीडियो में कोच दिलीप ने समझाया कि चेन्नई की गर्मी और उमस को देखते हुए खिलाड़ियों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस करवाने के बजाय फील्डिंग को इंटरेस्टिंग बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस सेशन में कैचिंग कंपटीशन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों को दो ग्रुप में बांटा गया। इसमें जिस भी ग्रुप ने कैचिंग में कम गलतियां की उसकी जीत हुई। दिलीप ने बताया कि इस बार के सेशन में विराट कोहली की टीम ने जीत दर्ज की। वीडियो में विराट के अलावा कप्तान रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल समेत सभी खिलाड़ी फील्डिंग में जमकर पसीना बहाते हुए नजर आए। फील्डिंग से अलग बैटिंग और बॉलिंग में भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। एक रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल जो है वो जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन का जो है नेट्स में उन्होंने जमकर सामना किया। इस दौरान बुमराह की गेंदों पर जो है यशस्वी जायसवाल को खासी परेशानी हुई, जिसमें विराट कोहली ने उनकी मदद की। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।